वीडियो में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करने वाले हैं। हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यूपी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ देखेंगे, आज का बनिया कल का सेठ, मतलब ये होता है कि थोड़े लाभ में अकड़ने वाला। आप मियाँ गंगरू द्वारे दरवेश, मतलब ये हुआ कि स्वयं कंगाल दूसरे को क्या देगा। आप आपे से बाहर होना, यानी कि मतलब होता है अत्यंत क्रोधित होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कि मुसीबत में पड़ना, वास्तविक स्थिति का सामना करना। आग में घी डालना, मतलब कि क्रोध को बढ़ावा देना। आसमान से बातें करना, मतलब कि बहुत ऊंचा होना। आसमान के तारे तोड़ना, मतलब असंभव कार्य करना। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा, मतलब कि कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा। 8 बार 9 त्यौहार, मतलब ये कि मौज मस्ती के अधिक अवसर होना। आंचल पसारना, यानी कि याचना करना। आँख फाड़ कर देखना, मतलब घूर घूर कर देखना। आँखों में चर्बी चढ़ना, यानी कम अधिक घमंड होना और मदांध होना। आँखों से गिरना, यानी कि सम्मान खो देना। आँखें पथरा जाना, यानी कि आँखें थक जाना। आँख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। आँख चुराना, यानी कि छिप जाना या फिर सामना ना आना। आँख रखना, यानी निगरानी करना। आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। आँखों में खून उतरना, यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। आँखें फेरना, यानी कि उपेक्षा करना। आँखों का पानी गिरना, मतलब निर्लज होना। आँखों के आगे चिंगारी छूटना, यानी कि मस्तिष्क पर धक्का या चोट लगने से चकाचौंध होना। आँखों पर रखना, यानी कि सम्मान पूर्वक रखना। आँखों से लगाना, यानी बहुत प्यार करना या श्रद्धा से सम्मान करना। आँखों में सरसों फूलना, यानी कि हरियाली ही हरियाली दिखाई देना। आंधी के आम, यानी कि अनायास सस्ते में मिल जाने वाली वस्तु है। अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि अज्ञात में लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करना। इति श्री कर देना, यानी कि समाप्त कर देना। इधर उधर की हाँकना, यानी व्यर्थ की बातें करना। इधर की उधर करना, यानी कि आग लगाना बुझाना, चुगली करना। इधर की दुनिया उधर होना, यानी अनहोनी होना। इज्जत अपने हाथ होना, यानी मर्यादा का वश में होना। इंद्र का अखाड़ा, मतलब कि विलासी समाज। इज्जत में बट्टा लगाना, यानी कि प्रतिष्ठा खराब करना। इक नागिन अरुपंख लगाई, मतलब दोष पर दोष होना। इमली के पात पर बारात का डेरा, मतलब असंभव बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईमान बगल में दबाना, यानी कि बेईमानी करना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब भाग्य की विचित्रता। उल्टा पासा पड़ने का मतलब क्या होता है? विपरीत परिणाम निकलना। उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि रहस्य की बात तत्काल जान लेना। उर्वशी होना, यानी कि प्रिय होना। 19-20 होना, यानी कि लगभग एक समान होना। उतार चढ़ाव देखना, यानी कि अनुभव प्राप्त करना। उतावला सो बावला, मतलब मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं। उंगली पर नाचना, यानी कि वश में होना। उंगली उठाना, यानी बदनामी करना, आरोप लगाना। उड़ती तीर लेना, यानी कि अकारण मुसीबत मोल लेना। उधेड़ बुन में पड़ना, यानी सोच विचार में पड़ना। उल्टे मुंह गिरना, यानी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं नीचा दिखना।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब क्या हुआ कि अपना अपराध स्वीकार न कर आंखें दिखाना, उल्टी माला फेरना यानी अहित सोचना, उल्लू बोलना यानी कि उजाड़ होना, उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना, ऊसर में बीज बोना यानी कि निष्फल कार्य करना, ऊसर बरसे तन नहीं जाए यानी कि मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है, उधो का लेना न माधो का देना यानी सभी झमेलों में से अलग रहना, किसी से कोई संबंध न रखना, ऊंची नीची सुनाना मतलब क्या हुआ भूला बहरा भला बुरा कहना, ऊंची फेंकने का मतलब क्या हुआ गप्पे मारना, ऊंचा सुनने का मतलब क्या हुआ कम सुनना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि मतलब क्या हुआ गलत कार्य होना, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक ही लेखा, मतलब क्या हुआ सभी की स्थिति समान, ऊंट किस करवट बैठे का मतलब क्या हुआ परिणाम की संदिग्धता, ऊंट की गर्दन का मतलब क्या हुआ ऊंची गर्दन, ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना मतलब शक्तिशाली की अनुचित बात का समर्थन करना, ऊंट की चोरी निवरे निवरे मतलब कि बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, एक पंथ दो काज मतलब एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, एक ही कहना यानी कि अनोखी या फिर विचित्र बात कहना, एड़ी से टोटी तक यानी कि सिर से पैर तक, एड़िया रगड़ने का मतलब क्या हुआ सिफारिश के लिए चक्कर लगाना, एक एक नस पहचानने का मतलब क्या हुआ सब कुछ समझना, एक घाट का पानी पीने का मतलब क्या हुआ एकता और सहनशीलता का होना, एक जान हजार अरमान के मतलब क्या हुआ व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती, एक टांग पर खड़ा रहने का मतलब क्या हुआ सदैव तैयार रहना, एक से 21 करने का मतलब क्या हुआ वृद्धि को प्राप्त होना।